गाड़ी करी तो मैंने पवन को बोला था भाई बंद गाड़ी में हम होंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आए इन्होंने देखा भाई कि गाड़ी खुली है, तो बोले भैया ये तो गाड़ी खुली है। मैंने बेटा ऐसे ही होता है, तुम टेंशन ना लो, कुछ ना होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। सर कोई डर की बात नहीं, फैमिली बच्चों के साथ लोग घूम रहे हैं, अगर ऐसा मैंने कहा एक्सपर्ट है और देखो महिलाएं भी आ रही हैं, सब आ रही हैं, टेंशन मत लो। अच्छा ये आग जैसी लगी हुई, ये लगाई जाती है, सिस्टमेटिक फायर है, ये कोई ऐसी फायर नहीं कि फैल गई जंगल में तो फैली गई। अच्छा, ये पूरे सिस्टम से लगाई जाती है फायर लाइन काट के। अच्छा जी, ये भी जरूरी है, अगर ये जलाएंगे नहीं नई ग्रास नहीं उगेगी, तो कहना जंगल हो जाएगा बहुत। और नई ग्रास नहीं उगेगी, जो ग्रास एक बार तैयार होगी तो वो पक जाएगी, जानवर खाएगा नहीं उसको, नई ग्रास की दिक्कत होगी। सर बहुत से ऐसे तृणभोजी पशु हैं यहाँ पे कि जिनको घास चाहिए चाहिए, हर चीज़ का एक रोल है जी यहाँ पे। जी जी, कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है जंगल में, ये फर्न ग्रास है, कहीं ना कहीं डेकोरेशन लगी देगी होगी। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि यार जो ये मार्किंग जो पेड़ों पे करता होगा जी, उस बंदे की जान तो हवा में अटकी रहती होगी। मार्किंग दिखाएंगे आपको, कई बार तो सामने मार्किंग करता हुआ दिखता। तो बाहर थे, बाहर धूप लग रही थी, यहाँ तो पेड़ इतने घने कि धूप का तो नामो निशान नहीं है। मुझे तो लग रहा है 4-5 बजे अंधेरा हो जाता होगा यहाँ पे। जी सर, हाँ बिल्कुल, अंदर में कुछ है ही नहीं, कई जगह ऐसी ना धूप पहुँचती नहीं है, बहुत घना घना एरिया मिलेगा अभी। जी जी, ये भी टर्माइट हाउस है, कितना ऊपर है, कितना ऊपर उतना ज़मीन के नीचे ये भी। लेकिन ये है कि ये जो है वो तो कहीं रहता है, ग्रुप है अंदर अंदर। देखिए कितने सारे खड़े हैं, तो पेड़ की जड़ के पास देखिए, पीछे लो थोड़ी आगे, ये पास में खड़ा है, नहीं अंदर पूरा ग्रुप खड़ा है, वो पीछे वो मूव करा देखिए थोड़ा सा, वो चल रहा है, वो खड़े आगे। एकदम बिल्कुल ये पास में खड़ा कर, ये पास में खड़ा, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी दूर हो। तो ऐसा लग रहा है हम ही को देख रहे हो, वही